Welcome everyone. In this video, I will give some tips and discuss some important things about online interview. So before आप online interview के लिए जाएं, so उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बताऊँगा बहुत important चीज़ें हैं. So आप उनको अच्छे से देखें and practice करें so that confidently दो and you don't get nervous during the interview. So ये बहुत important चीज़ें हैं जो मैं अब discuss करूँगा. So as you know, due to COVID situation, सारे interviews job के या फिर PhD interviews सब online हो रहे हैं. So उसके लिए बच्चों को प्रैक्टिस नहीं है, पहले से पता नहीं है कि ऑनलाइन इंटरव्यू कैसे देते हैं एंड कौन सी ऐप यूज़ करनी है. तो वो सब मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूँगा कि क्या कैसे कैसे करना है. सो ये सारी चीज़ों से यू विल गिव इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली एंड यू लीव अ गुड इम्प्रेशन एंड यू गिव इंटरव्यू प्रोफेशनली एंड यू डोंट गेट नर्वस. सो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको कि आप कैसे ये इनको इंश्योर कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू ऐसा जाए. एंड दिस इज़ आई एम टेलिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आई हैव गिवन मैनी ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस. PhD में देनी पड़ती है प्रेजेंटेशंस, टाइम टू टाइम देनी पड़ती हैं प्रेजेंटेशन. सो मैंने बहुत सारी दी हैं WebEx के थ्रू एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू. तो एंड आई हैव टेकन मैनी ट्यूटोरियल क्लासेज ऑल्सो. सो PhD में ड्यूटीज मिलती हैं कई, तो वो सारी मैंने दी हैं. आई हैव टॉट मैनी BTech स्टूडेंट्स, MSc, MTech स्टूडेंट्स WebEx के थ्रू और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू. तो मैंने देखा है जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में. एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स ऑल्सो, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था लास्ट सेमेस्टर में. सो कैसे इंटरव्यू में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी या फिर कैसे हुआ था, तो वो उस वे से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें. तो आपको इंश्योर करनी है आप ये सारी चीज़ें करें. सो फर्स्ट थिंग इज इंटरनेट कनेक्शन. सो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए. सो उसमें कोई भी ब्रेक ना आए, तो वो आपको इंश्योर करना है. सो आप जैसे भी आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई के थ्रू, ब्रॉडबैंड के थ्रू या फिर मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू, सो आपको चेक इंश्योर करना है कि वो अच्छे से कनेक्टिविटी है. आप कोई भी यूज़ कर रहे हो सिम, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आप उसके थ्रू अगर हॉटस्पॉट ले रहे हो, सो आपको इंश्योर करना है कि आपकी स्पीड लिमिट कॉन्टिन्यूस आ रही है एक. एंड एटलीस्ट अगर आप चेक स्पीड लिमिट कर लो, स्पीड टेस्ट हो जाता है. सो पहले से आप स्पीड टेस्ट करके रखो, एटलीस्ट जो स्पीड है आपकी 2 Mbps होनी चाहिए डाउनलोड वाली, और 2 Mbps होनी चाहिए अपलोड वाली. ठीक है, एक इंटरव्यू देने के लिए एटलीस्ट इतनी स्पीड तो आपकी होनी चाहिए. सो आप ये पहले से चेक कर लेना कि इतनी स्पीड आपकी है. सो ये आपको ज़रूर चेक करना ताकि कोई भी डिसकनेक्शन ना हो. क्योंकि अगर वैसा होगा इंटरव्यू के ड्यूरिंग आपका इंटरनेट कनेक्शन या फिर ऑडियो सही से नहीं जा रही या फिर वीडियो सही से नहीं जा रही, तो आप उल्टा ही नर्वस हो गए एंड दैट विल लीव अ बैड इम्प्रेशन. सो आप ऐसा ना हो उसके लिए आप ये सारी चीज़ें इंटरनेट कनेक्शन इंश्योर करना कि आपका अच्छा रहे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ किसके थ्रू इंटरव्यू दे रहे हैं, किस ऐप के थ्रू दे रहे हैं. WebEx है, सिस्को के WebEx है, या फिर जूम मीटिंग के थ्रू हो रही है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू. सो मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ कर रखी हैं एंड अगर आपके कोई भी आपको इनमें से ही बोलेगा वैसे यूज़ करने के लिए, सो कोई भी सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है तो आप पहले से यूज़ टू हो जाओ उस सॉफ्टवेयर को, डाउनलोड कर लो. ठीक है, तो दो तरीके से होता है, या तो ऐप बेस्ड होगा या फिर वेब बेस्ड होगा, मतलब आप क्रोम में खोलोगे. ठीक है, वेब बेस्ड का मतलब है क्रोम में खोल रहे हो आप, या फिर ऐप है ऐप डाउनलोड करके. सो आई वुड प्रेफर कि आप ऐप डाउनलोड कर लें एंड ऐप पे प्रैक्टिस कर लें. सो अगर आप वेब बेस्ड कर रहे हो तो वेब पे प्रैक्टिस कर लें. सो पहले से सॉफ्टवेयर का सारा प्रैक्टिस कर लो कि कैसा इंटरफेस है उसका, कैसा आप हैंडल करना है उसे, हाउ टू कनेक्ट, म्यूट कैसे करना है, टर्न ऑन कैसे करना है माइक, कैमरा ऑन कैसे करना है. सो उसमें सारे बटन्स होते हैं, और कैमरा टेस्ट करने के लिए और माइक टेस्ट करने के लिए होता है कि आपका माइक सही से काम कर रहा है या नहीं, सारे उसमें बटन्स होते हैं. तो आप पहले से वो चेक कर लेना उसका इंटरफेस कैसा है एंड यू आर एबल टू डू एवरीथिंग. सो अगर कुछ भी इंटरव्यूअर बोलता है कि आप अपना कैमरा बंद करिए या कुछ करिए, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए. एंड प्रैक्टिस आप कर लो पहले से, ये सारा प्रैक्टिस आप एक प्रैक्टिस इंटरव्यू दे सकते हो अपने फ्रेंड्स को या फिर फैमिली मेम्बर को, तो ताकि इंटरव्यू टाइम पे अगर कोई भी वो होती है, कोई भी इश्यू आता है सॉफ्टवेयर में, तो आप इजीली रेक्टिफाई कर लें एंड यू डोंट गेट नर्वस. सो नर्वस ना हो जाएं एंड दैट विल लीव अ वेरी बैड इंप्रेशन. आप नर्वस हो जाएंगे तो सारा आपका कॉन्फिडेंस भी लो जाएगा एंड सब
पूरा इंटरव्यू ख़राब हो जाता है। नाउ द थर्ड थिंग इज कैमरा एंड माइक। कैमरा एंड माइक इम्पोर्टेंट होते हैं। आई वुड से कैमरा तो कोई भी चलेगा, अगर आप किसके थ्रू दे रहे हो, मोबाइल या फिर लैपटॉप के थ्रू अगर आप दे रहे हो, मोबाइल या फिर लैपटॉप, अगर आप लैपटॉप के थ्रू दे रहे हो इट्स फाइन, अगर आप मोबाइल के थ्रू दे रहे हो तो कीप इट स्टेबल ऑन सम टेबल, तो कोई सपोर्ट दे दो ताकि वो वॉबल ना करे या फिर ड्रॉप ना होए ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है। तो आप इसको एक स्टेबल जगह पे रख देना एंड देन गिव इंटरव्यू, ठीक है। उसको लेके मत घूमना, तो डैट विल लीव अ गुड बैड इंप्रेशन। सो अगर लैपटॉप के थ्रू या फिर किसी के थ्रू दे रहे हो, सो कैमरा तो दोनों का चलेगा, एनी कैमरा वर्क्स, बट माइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। योर वॉइस मस्ट बी क्रिस्प एंड क्लियर, एक अच्छी आवाज़ आनी चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो डोंट यूज़ इनबिल्ट माइक। सो मोबाइल या लैपटॉप में जो बिल्ट इन माइक होता है वो आपको यूज़ नहीं करना है, बिल्ट इन माइक यूज़ नहीं करना है आपको। यूज़ करना है एक ईयरफोन यूज़ कर सकते हो या फिर एक अलग से माइक आता है, वैसे अलग से माइक परचेज करने का कोई बनता नहीं है। आप एक ईयरफोन का अच्छा क्वालिटी का माइक होता है, उसको आप अगर पहन के बोलोगे तो अच्छी आवाज़ आएगी। मैं भी ये जो वीडियोस बना रहा हूँ, मैं एक सेनहाइज़र का माइक यूज़ करता हूँ, सेनहाइज़र ईयरफोन है उसका माइक यूज़ करता हूँ। सो आप कोई भी रियलमी शाओमी कोई भी कंपनी का एक अच्छा ईयरफोन ले लें। सो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा कि कौन सा कोई अच्छा जिसका ईयर माइक है। सो कोई भी अच्छा ईयरफोन विद बिल्ट इन माइक जिसमें हो तो वो आप ले सकते हैं, एंड उसकी क्वालिटी पहले से ही चेक कर लें। जब आप टेस्टिंग करेंगे सारी इंटरव्यू की, एक प्रैक्टिस करके देखेंगे, सो आप पहले से वो क्वालिटी चेक कर लेंगे एंड एनश्योर डैट कि वो माइक काम कर रहा है उस ऐप में, क्योंकि आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है ऐप में। एंड डोंट यूज़ वायरलेस माइक। वायरलेस ईयरफोन्स, अगर आप वायरलेस ईयरफोन्स यूज़ करेंगे ना तो दे आर वेरी बैड, बहुत ही बेकार क्वालिटी होती है उनके माइक की। सो डोंट यूज़ डैट, डोंट यूज़ वायरलेस ईयरफोन्स, ठीक। सो यूज़ वायर्ड माइक, वायर माइक या फिर वायर्ड ईयरफोन्स, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ चेक एवरीथिंग इज़ वर्किंग। ये मैंने पहले ही बता दिया कि एक प्रैक्टिस टेस्ट ले लें अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कोई फैमिली मेम्बर के साथ, एक प्रैक्टिस सेशन करवा लें किसी और फ़ोन में भी इंस्टॉल करके वो ऐप, एंड टेक अ प्रैक्टिस इंटरव्यू, प्रैक्टिस कॉल, जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी वॉइस कैसी जा रही है, सामने वाले पर्सन को कैसी जा रही है, आपकी वीडियो कैसी जा रही है, फेस कैसा दिख रहा है, स्टेबल है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें आप टेस्ट कर लें पहले से ही एक प्रैक्टिस सेशन करके। सो इफ़ यू वांट टू गिव मल्टीपल सेशंस भी कर सकते हो आप, चेक कर लो सारा इंटरफेस भी, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है डैट इज़ कीप सम ब्लैंक वाइट शीट्स विद यू, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर कुछ भी बोलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी है, फिर कोई ग्राफ दिखाना है, प्रॉब्लम तो नहीं बोलेगा, कोई ग्राफ दिखाना है आपको, शो करना है, तो वैसे तो इंटरव्यू में मैंने ज़्यादातर इंटरव्यू में देखा है कि पूछ के ही करते हैं, कोई भी ऐसे दिखाने को नहीं बोलते, लेकिन एक इंटरव्यू में मैंने सुना है कि दे आस्क डैट टू ड्रॉ सम ग्राफ एंड शो दैम। सो उस केस में आपको अपने पास ही रखना है ताकि आप बाद में ढूंढने ना फिरते कोई भी कॉपी, ऐसे कॉपी में इससे बढ़िया कि आप पहले से वाइट शीट अपने पास रखें, कोई भी अगर ग्राफ बोलता है या फिर कैलकुलेशन या फॉर्मूला बोलता है तो आप लिख के सामने बता दें, दिखा दें, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट थिंग, लास्ट थिंग इज़ ऑलवेज कीप सम एडिशनल लैपटॉप या फिर मोबाइल, कोई भी आपके पास चीज़ है तो अगर आप लैपटॉप से दे रहे हैं तो एक मोबाइल एक्स्ट्रा रखें अपने पास जो आपका मोबाइल होगा, ताकि अगर लैपटॉप कुछ भी फेलियर होता है, बैटरी आपकी चार्ज नहीं है, वो नहीं है, तो बैटरी भी आप चार्ज करके रखें। तो इसमें ये भी आ जाता है कि आप बैटरी दोनों चीज़ की, मोबाइल और लैपटॉप की, दोनों की चार्ज रखें एट द इंटरव्यू टाइम, एंड इनकेस कोई भी फेलियर होता है तो आप नेक्स्ट डिवाइस पे जा सके। तो वो इतना टाइम देते हैं, अगर आपके इमरजेंसी आती है तो इतना टाइम देंगे आपको करने के लिए, तो आप पहले से ज़्यादा नर्वस ना हो जाएं, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे इंटरव्यू के टाइम पे एंड यू लीव अ गुड इम्प्रेशन, ठीक है, एंड आप नर्वस नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए।
सो नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ी और टिप्स बताऊंगा कि आपको जो इंटरव्यू जब दोगे उस टाइम पे क्या क्या, आप कैसे कैसे इंटरव्यू देना है। सो ये तो हो गया बिफोर इंटरव्यू कि आपको क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी है टू गिव अ ऑनलाइन इंटरव्यू। ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन PhD इंटरव्यूज जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताए हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। जो भी बच्चों का एक्सपीरियंस था या मेरा एक्सपीरियंस था इंटरव्यूज में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें बताया, तो वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो आप वो देख लेना, मेरे चैनल पे है, एंड मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपके ऊपर यहाँ पे भी आ जाएगा। सो वो वीडियो आप देख सकते हो। सो थैंक यू।